हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कल से लागू होगा अनलॉक वन, रियायतों का नया दौर होगा शुरू। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले का स्वागत किया। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बोले, सभी साधु संत और देशवासी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नए नियम बनाए। किसी को भी पूजा सामग्री लाने या प्रसाद बांटने की इजाजत नहीं। मंदिर को समय समय पर किया जाएगा सैनिटाइज, सामाजिक दूरी का होगा पालन। देश में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज, कोरोना का आंकड़ा 1,82,000 के पार। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार चौथे दिन टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,295 नए मामले सामने आए और 416 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में अब तक 8,478 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संकट में इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे साउथ वेस्ट दिल्ली के पुलिस अधिकारी, योग के सहारे खुद को कर रहे हैं फिट। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 1,421 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 91 नए मामले सामने आए। अब तक 26 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत। रेल भवन में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इमारत की दूसरी मंजिल को किया गया सील, 29 अधिकारी और कर्मचारियों को किया गया होम क्वारंटीन। राजस्थान और कर्नाटक में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। राजस्थान की गाइडलाइंस में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स खोलने के संकेत नहीं। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की मियाद 8 जून तक बढ़ी। अनलॉक को लेकर 8 जून को जारी होंगे दिशा निर्देश, तब तक सभी तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी। नोएडा में रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट कैंसिल कराने वालों की भीड़। अनलॉक वन के साथ ही कंपनियों में काम शुरू होने की उम्मीद, रोजगार मिलने की आस में लोगों ने घर जाना कैंसिल किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में श्रमिक ट्रेन से उतरे मजदूरों को लेकर प्रशासन की भारी लापरवाही, बिना जांच के ही 500 श्रमिकों को घर जाने दिया गया। नेपाल में फंसे भारतीयों को देश के अलग अलग राज्यों में भेजने में जुटा प्रशासन। बिहार के अररिया में नेपाल से सटी सीमा पर हो रहा है रजिस्ट्रेशन। जबलपुर की पॉश सोसाइटी में नियमों का उल्लंघन कर मनाई गई जन्मदिन की पार्टी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कोरोना संकट काल में गाजियाबाद के अस्पतालों की खस्ता हालत सामने आई। हल्की सी बारिश के बाद सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर गया पानी। ओडिशा के बालासोर में मजदूरों से भरी बस हादसे की शिकार, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। केरल से पश्चिम बंगाल जा रही थी बस। हिमाचल प्रदेश के सोलन में निजी होटलों को बनाया गया पेड क्वारंटीन सेंटर। पैसे देकर बेहतर इंतजाम के बीच रह सकते हैं लोग। होटलों को साफ सफाई रखने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कल से चलेगी रोडवेज बसें, 60% यात्रियों को ही बैठने की छूट। हर सवारी को मास्क पहनना होगा। मुंबई से सटे मुमरा इलाके में 2 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में नहीं मिली जगह, एक ने ऑटो रिक्शा में दम तोड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में टिड्डी दल ने बोला धावा, फसल बचाने के लिए किसान कर रहे हैं केमिकल का छिड़काव। दिल्ली में कल और आज की हल्की बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोली। प्रहलादपुर अंडरपास में भर गया पानी, लोगों को हुई काफी मुश्किलें। यूपी के बाराबंकी में पुलिस पर एक घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप, पीड़ित ने महिला आयोग में की थी पुलिस की ज्यादती की शिकायत। अमेरिका के मिनेपोलिस में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत पर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन। लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों में कर्फ्यू। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर दुकानों को लूटा। नेपाल सरकार ने नए नक्शे पर पेश किया संविधान संशोधक विधेयक। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की तरफ से मिले समर्थन ने इस विधेयक को संसद में पारित कराने का रास्ता साफ कर दिया। नए नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने देश में दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टाली G7 की बैठक, मौजूदा संगठन को बताया पुराना। भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की वकालत की।